Nagas Book of School. I am Nisha Bansal, your science teacher. And today I am going to explain you chapter Soil Erosion and Conservation. Previous I have told you about soil erosion and what is soil pollution, steps of preventing soil pollution. तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है, सॉइल पोल्यूशन को रोक कैसे सकते हैं. ये सारे टॉपिक्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नेसेसिटी ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. तो ये टॉपिक कवर करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सॉइल कंजर्वेशन होता क्या है. देखिए, कल हमने पढ़ा था कि जो है सॉइल इरोजन क्या होता है, कि सॉइल की अपर मोस्ट लेयर जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है क्योंकि उसमें ह्यूमस होता है. तो जब किसी भी मतलब किसी के थ्रू, जैसे एयर या वाटर के थ्रू क्या होता है कि सॉइल की अपर लेयर जो होती है वो अपनी जगह से हट जाती है और दूसरी जगह चली जाती है, तो वहाँ की जो लैंड है वो कम फर्टाइल हो जाती है. वहाँ पर फिर हम क्रॉप्स वगैरह ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो इसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं. सॉइल इरोजन जो होता है उसके कारण भी होता है, ओवर ग्रेजिंग के कारण, जिसमें जो होते हैं कैटल्स जो होते हैं वो ज़्यादा ग्रेजिंग कर लेते हैं, ठीक है. और ये जो होता है प्लांट्स जो है डिफॉरेस्टेशन के कारण भी होता है, कि अगर हम प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में हटाते हैं यानी कि फॉरेस्ट को रिमूव करते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमने कल के वीडियो में डिस्कस करी थी. अब हम बताते हैं सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है. अब सॉइल की जो अपर लेयर है वो अपनी जगह से रिमूव ना हो, जिससे कि उसके ह्यूमस बरकरार रहे, वहाँ पे सस्टेन रहे और वहाँ पे जो है प्लांट्स इजीली ग्रो कर सकें, तो इसको हम कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन. कंजर्व का मतलब है किसी चीज़ को संरक्षित करना, ठीक है. तो जब हम सॉइल की अपर लेयर को वहीं पे संरक्षित रखेंगे, वो अपर लेयर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगी, तो इसे हम कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है. सॉइल कंजर्वेशन होता क्यों ज़रूरी है, देखिए, क्योंकि सॉइल में बहुत सारे जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं. ये आपको पता है कि सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे बैक्टीरियाज हो गए और जो है मतलब अर्थवॉर्म है, ये सब सारे इंसेक्ट्स रहते हैं. तो अर्थवॉर्म क्या होता है कि हमारा जो अर्थवॉर्म को फार्मर का फ्रेंड्स कहते हैं. क्यों कहते हैं फार्मर्स का फ्रेंड, क्योंकि वो जो है सॉइल को थोड़ा सा जो है ढीला लूज़ करने का काम करता है. जब सॉइल लूज़ हो जाती है तो क्या होगा कि जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो बहुत गहराई तक जाती हैं, ठीक है. और जितनी ज़्यादा रूट्स गहराई तक जाएंगी उतना ज़्यादा वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा. जितना ज़्यादा मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करेगा प्लांट्स उतनी ही जल्दी ग्रो होता है, ठीक है. तो इसलिए सॉइल बहुत ज़रूरी होती है सॉइल को कंजर्व करना. अगर सॉइल को हम कंजर्व नहीं करेंगे तो वहाँ पे रहने वाले जितने भी मतलब उसमें रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो प्रॉपर नहीं रह पाएंगे. उनको प्रॉपर क्वांटिटी में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, प्रॉपर क्वांटिटी में वाटर नहीं मिलेगी, प्रॉपर क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है. तो सॉइल कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा अगर सॉइल होता है तो ही हम प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं. और प्लांट्स ग्रो करेंगे, सीरियल्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, हम सब इसी के ऊपर डिपेंड होते हैं. हमारी लाइफ जो होती है पूरी इसी के ऊपर डिपेंड होती है, फूड के ऊपर. और फूड हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट्स से. प्लांट्स फूड को कब बनाएंगे, जब उन्हें प्रॉपर क्वांटिटी में ह्यूमस और वाटर वगैरह मिलेगा, ठीक है. और ये उन्हें कहाँ से मिलता है, सॉइल से, ठीक है. इसके अलावा क्या होता है, बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं प्लांट्स में रहते भी हैं, जैसे आपने देखा होगा मॉन्कीज रहते हैं, ठीक है, और स्क्वायरल्स रहती हैं. बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स के ऊपर रहते हैं. बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है. अगर फॉरेस्ट ही नहीं होगा तो जैसे लॉयन है, टाइगर है और एलिफेंट है, डियर है, ये सारे क्या होते हैं फॉरेस्ट में रहते हैं. तो फॉरेस्ट ही रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा, ये सारे एनिमल्स को भी रहने में परेशानी होगी, ठीक है. तो इसीलिए सॉइल कंजर्व करना बहुत ज़रूरी होता है. और सॉइल में डिकम्पोज का भी काम होता है. डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है. तो ये होता है डिकम्पोज का प्रोसेस, ठीक है. तो अगर ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है जब हम सॉइल को कंजर्व करेंगे. अगर सॉइल को कंजर्व नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक है.
अब हमने नेसेसिटी ऑफ सॉइल कंजर्वेशन तो पढ़ लिया, सॉइल कंजर्वेशन भी मैंने आपको बता दिया कि सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है। सॉइल की जो अपर लेयर होती है जिसमें ह्यूमस होता है उसको अपनी जगह पे ही मतलब रखना सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है, ठीक है। एफॉरेस्टेशन क्या प्रोसेस होता है, ये जस्ट अपोजिट होता है डिफॉरेस्टेशन का। जैसा कि मैंने कल बताया था कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि जब हम प्लांट्स को रिमूव कर देते हैं उसकी जगह से तो वो प्रोसेस कहलाता है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। और प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में लगाना क्या कहलाता है, एफॉरेस्टेशन। प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में लगाना एफॉरेस्टेशन कहलाता है, प्लांटिंग करना, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। जितना हम प्लांट लगाएंगे उतना ही हमारा एटमॉस्फेयर जो होगा कम पोल्यूट होगा, और जो प्लांट्स होती हैं उनकी रूट्स क्या करती हैं, सॉइल को बांध के रखती हैं, ठीक है। प्लांट्स की जो रूट होती हैं वो सॉइल को बांध के रखती हैं। अब कोई चीज़ अगर बंधी है किसी चीज़ से तो क्या होगा, अगर आप भी देखते हो कि अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स के बीच में गुड रिलेशन होता है तो उसको ब्रेक करना इजी नहीं होता है, क्योंकि वो टूटते ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को बांध के रखती हैं, ठीक है। अब बांध के रखती हैं तो अपर लेयर जो होती है वो कहीं भी नहीं जा पाती, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन के थ्रू भी हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन भी मैंने कल बताया था कुछ कि क्या होता है कि जब हम एक ही फील्ड में एक ही तरह के मतलब क्रॉप को ग्रो करते हैं तो उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो एक दिन उस सॉइल में से ख़त्म हो जाते हैं, उस फील्ड में से ख़त्म हो जाते हैं। तो हम वो वाली क्रॉप जो होते हैं उस फील्ड में ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं क्रॉप को। वन ईयर हमने जैसे फॉर एग्जांपल वीट लगा लिया, सेकेंड ईयर हमने राइस लगा लिया, थर्ड ईयर हमने बाजरा लगा लिया। इस वजह से क्योंकि अलग अलग टाइप की जो क्रॉप्स होती हैं उनको अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स अगर वो लेंगे तो सॉइल में हर तरह के न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, सस्टेन रहेंगे, और टाइम टू टाइम हम उसमें जो है फर्टिलाइजर्स वगैरह डाल के हम उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसमें बनाए रख सकते हैं। लेकिन हमें फर्टिलाइजर्स भी इतनी क्वांटिटी में डालना चाहिए कि वो जो है सॉइल को पॉल्यूट ना करें। फर्टिलाइजर्स के जो है यूज़ बहुत रेयर केस में करना चाहिए, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, नहीं तो उससे क्या होता है कि सॉइल जो होती है वो पॉल्यूट हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा था एयर क्रॉप रोटेशन, ठीक है। तो इसके साथ ही जो है आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके अलावा जो है हम सॉइल कंजर्व कर सकते हैं डैम्स वगैरह बना के। डैम्स क्या होते हैं, वो भी क्या होते हैं, पानी को बहाव को बाहर नहीं आने देंगे। जब पानी का बहाव जो है नहीं आएगा तो वो मिट्टी को अपने साथ नहीं ले जा सकता है, तो इससे भी हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन जो है ख़त्म होता है। इसको आप घर पे अच्छी तरह से वीडियो देखिएगा और पढ़िएगा। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। हैव अ नाइस डे। बाय।